बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें जो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उस पर हतमी फैसला, उस पर मोहर लग सकती है। उस हवाले से भी बात हम करेंगे और बात जम्मू कश्मीर की भी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूथ कनक्लेव 2024 उसकी आज शुरुआत हुई। वहीं बात जो है हम वक्फ बोर्ड के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो तकर्रिया हुई है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने सवालात खड़े किए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन न्यूज़ एट 6 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे सरमाई तादीलात में 4 मार्च तक तोसी कर दी गई है, यानी क्लास वर्क अब 4 मार्च 2024 से दोबारा शुरू होंगे। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने हुक्मनामा जारी किया है, और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। और दिन भर आज ये खबर गुलिस्तान पर चल रही थी, और सवाल यही था कि एक तरफ से महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है भारी बर्फबारी की, तो दूसरी तरफ स्कूल खुलने के इम्कान है। ताहम उसी खबर का ये असर है कि अब डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी किया है और सरमाई तातीलात में तौसी कर दी गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से जारी मौसम की पेशगोई के पेश नज़र डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने स्कूली बच्चों के लिए मौसमी सरमा की तातीलात में तौसी कर दी गई है, और इस सिलसिले में हुक्मनामा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने जारी किया है। आपको बता दें कि तमाम स्कूलों में 3 माह की तवील मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान 28 नवंबर से मरहलावार तरीके से किया गया था। ताहम तमाम स्कूलों में तदरीसी अमला 21 फरवरी से अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर चुका है, जबकि क्लास वर्क यकुम मार्च 2024 यानी फ्राइडे से दोबारा शुरू होनी थी। ताहम अब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद हुसैन मीर ने कहा कि मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के मौसम की पेशगोई के पेश नज़र हमने मामूल के क्लास वर्क के लिए स्कूलों को दोबारा खोलने में तौसी करने का फैसला किया है, और जारी हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी तस्लीमशुदा स्कूलों में क्लास वर्क अब 4 मार्च यानी मंडे से दोबारा स्कूल खुली। चलिए जनाब, ये तो थी बात स्कूलों की, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, और आज शाम होते होते शहर श्रीनगर समेत सूबा कश्मीर के कई इलाकों के अंदर बादल साफ नजर आ रहे हैं, और पहाड़ी इलाकों के अंदर इसी तरीके की सूरतयाल बनी हुई है कि अभी ना अभी बारिशा बर्फबारी शुरू होगी। और इसी मौसमी सूरतयाल के बीच महकमा तालीम का बड़ा फैसला कि अब 4 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर तालीम का दोबारा आगाज होगा, यानी तातीलात खत्म होगी और रेगुलर क्लासेस 4 मार्च से शुरू की जाएगी। बात जरा मौसम के मिजाज के बाद सियासी पारे की करते हैं, क्योंकि सियासी मिजाज भी बदल रहा है, और बदलते सियासी मिजाज के बीच जहां सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज है, वहीं पर खबर जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात जरा दिल्ली की करते हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर थोड़ी देर में अहम तरीन इजलास शुरू होने जा रहा है, और इजलास में वजीर आजम, वजीर दाखिला, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत कई अहम रहनुमा मौजूद रहेंगे, जिस दौरान उम्मीदवारों की पहली हतमी फहरिस्त को जारी किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के ज़राए के मुताबिक आज शाम तक पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से तकरीबन 100 उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है, जिनमें इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 5 मेंबरान का भी जिक्र हो सकता है। अब यह बात इसलिए कभी इम्कान पकड़ रही है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के लीडर्स कल से दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहां कल भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना, पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर लीडरों ने कई बार कभी दाखिला वजीर, कभी जेपी नड्डा और कभी दीगर लीडरों से मुलाकात की, जिसके बाद इस बात की पूरी आशंका लगाई जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम होते होते या कल शाम तक हतमी फ्रिज जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। जहां एक तरफ से दिल्ली के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है, वहीं पर इतलात यह है कि 7 मार्च के तारीखी जलसे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीनगर के एसके स्टेडियम के अंदर किया जा रहा है, वहां पर इंतजाम किस तरीके से है, क्या कुछ किया जा सकता है, उस हवाले से भी दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान कई बार मीटिंग के अंदर जायजा लिया गया है। बिल्कुल, सीधा दिल्ली चलेंगे, ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा, मीटिंग के हवाले से शुरू हुई है मीटिंग, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, कुछ ही देर के बाद मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो पार्टी ऑफिस, जो हेड ऑफिस है, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और कुछ देर के बाद प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। आज हाई सिक्योरिटी अलर्ट आसपास में कर दिया गया है क्योंकि बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है। सीईसी की मीटिंग है और इसमें आज लगभग 120 से 150 के करीब नामों पर आज मोहर लगाई जाएगी पार्टी की तरफ से। देखिए पार्टी सबसे पहले उन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, सबसे पहले उन प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर कर सकती है, यानी कि उन कैंडिडेट्स को पहले मौका दिया जाएगा जहां पर पार्टी कमजोर है, जहां पर पार्टी चुनाव हारी है। लगभग 165 के करीब ऐसी सीटें हैं जिन पर पार्टी चुनाव हारी है या कमजोरी के साथ चुनाव लड़ा गया है, कम मार्जिन से चुनाव लड़ा गया है। आज उन सीटों को लेकर के यहाँ पर विचार मंथन किया जाएगा और उसके बाद उन सीटों की लिस्ट एक जो तैयार की गई। देखिए ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात करूं तो पार्टी की तरफ से हर सीट के लिए लगभग तीन तीन नाम सुझाया गया है, बताया गया है कि तीन नाम वो अहम है। ऐसे तीन नामों का पैनल दिल्ली पहुंचा है, जहां तक पार्टी के सोर्सेस के मुताबिक हमें पता चला है उन तीन नामों में से आज एक नाम पर फाइनली चर्चा की जाएगी। जो खबर हमारे पास आई थी उसमें ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, उसके अलावा साउथ और नॉर्थ के कुछ राज्य हैं जिनको लेकर के आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी चुनाव हारी थी या कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर पार्टी जीती जरूर थी लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा था। तो उन सीटों की आज तैयारी की जा रही है कि उन सीटों को आज गहन मंथन किया जा सके और उन सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशियों की तकरीबन 100 से 110 सीटों का ऐलान आज बीजेपी के हाईकमान की तरफ से किया जाएगा, एक तरफ से यह खबर आ रही है। दूसरी तरफ जब मैं जम्मू कश्मीर के जाविये से देख रहा हूं तो अहम तरीन नेता जम्मू के अंदर दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहां कल से कभी दाखिला वजीर, कभी जेपी नड्डा और कभी बीएल संतोष के साथ उनकी मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। इधर 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी सोबा कश्मीर का है, क्या कुछ डिटेल्स अभी तक इमर्ज हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो सीनियर लीडर्स जम्मू कश्मीर से आए हुए थे उनसे तो हमने फोन पर बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी मीटिंग कल थी और आज उनकी सरसरी तौर पर मुलाकात हुई थी। तो जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कमर कस ली है। बड़ी खबर हम आपको सामने रख रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉर्थ कश्मीर यानी बारामुल्ला लोकसभा हल्के इंतखाब के लिए अपने दो उम्मीदवार सामने रखे हैं, यानी पार्टी का जो इंटरनल पैनल है वो लगभग तैयार हो गया है और कई बार मशावरतों और मीटिंग्स के बाद दो नाम जो है वो सामने रखे जा रहे हैं। पार्टी जराया और खबर रसाईदारों के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नईम अख्तर अंद्राबी, साबिक वजीर जो है, और रफीक राठर जो साबिक यूनियन लीडर रह चुके हैं, उनके नाम को शायद सामने रखा गया है। अगरचे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ताहम जराया जो बड़ी खबर हमें बता रहे हैं वो ये है कि नईम अख्तर, जो एक जमाने में बड़े स्पोक्स पर्सन की हैसियत से काम करते थे, वजीर भी रह चुके हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के राइट हैंड माने जाते थे, उनका नाम फ्रंट रनर पर है। उसके साथ साथ दूसरा नाम रफीक राठिर साहब का है, तीसरा नाम पार्टी के मौजूदा तर्जुमान सईद सोहेल बुखारी का भी माना जा रहा है। यानी पार्टी के इंटरनल पैनल में तीन बड़े नाम सामने रखे गए हैं, लेकिन अभी बड़ा सवाल यह है कि इंडिया इतिहाद की जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। सिर्फ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उन्होंने ऑफिशियली अपने कैंडिडेट सजाद लोन को बारामूला से उतारा है, नॉर्थ कश्मीर से उतारा है। दीगर पार्टियों ने अपने अपने पैनल जरूर तैयार किए हैं, कांग्रेस का पैनल ऑलरेडी सुप्रीम कमांड तक, दिल्ली हाई कमांड तक पहुंच चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने पैनल को तैयार रखा है, और अब जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि पार्टी अलग से भी चुनाव लड़ सकती है अगर इंडिया इतिहाद में उन्हें माकूल और मुनासिब जगह नहीं दी गई तो वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह है कि पांचों पार्लियामानी निशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम का हतमी नाम जो फाइनल लिस्ट है उन्हें तैयार किया जा रहा है और पार्लियामेंट की जो उनकी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है उनको ये नाम सौंप दिए जाएंगे अगर जरूरत पड़ी इंडिया इतिहाद के बाहर चुनाव लड़ने की। बहरहाल फिलहाल जरा से ये खबर कि शुमाली कश्मीर के लिए एक बड़ा फैसला पीडीपी की तरफ से लिया गया है, जहां पर तीन बड़े नाम रफीक राठर, नईम अख्तर अंद्राबी और सोहेल बुखारी का नाम सामने रखा जा रहा है। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं।
बात जनाब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, लेकिन जरा बात करते हैं साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद इन दिनों डोडा के दौरे पर हैं और लगातार एक के बाद एक बड़ा खुलासा पेश कर रहे हैं, जहां कल ए टीम, बी टीम और सी टीम का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनकी जमात बी टीम है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सफे अव्वल यानी ए टीम में शामिल है, क्योंकि बीजेपी के साथ हर बार इत्तेहाद उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बगैर भी उन्होंने कहा कि ये दो भी मरहूने मिन्नत भारतीय जनता पार्टी के हैं, तभी जाकर जम्मू कश्मीर के अंदर वो वजीर आला की इख्तदार तक आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं, आइए चलते हैं सीधे अपने नुमाइंदों के पास, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद। बहुत सारे देखे भी गए, बहुत सारे उद्घाटन भी गए, मुझे लगता है कि आप जम्मू आए, कश्मीर आएंगे तो वहाँ भी कुछ देखे जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो दिल की दूरी हो रही है के लिए अपोजिशन ये कह रहे हैं कि फोर्स दावा की जरूरत है, एंगेजमेंट करने की लोगों की जरूरत है? देखो वो तो हमेशा ही जरूरत है, आज से नहीं, हमेशा, वो मुसलसल 1947 से जारी रही, वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, मेरा अपना मानना है हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या दूर दराज स्टेट्स हैं वो हमेशा अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं, और कश्मीर जो जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी खास तौर पे तो